लाला फील्डिंग की बात की, फील्डिंग दोनों तरफ से जो है वो एक फाइटिंग फील्ड दिखी आपको, अपटाइट फील्डिंग दिखी, फील्ड से डरा के रखा गया बैटर्स को। हम कल भी ये बात कर रहे थे कि टीम इंडिया ने भी जिस तरह फील्ड सेटल किया, टीम श्रीलंका ने भी जिस तरह फील्ड सेटल किया, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। हम फील्डिंग पे ध्यान नहीं दे रहे इतना, मतलब अच्छी फील्डिंग बुरी फील्डिंग वो बात की बात है, बट फील्डिंग से अटैक करना वी आर नॉट वर्किंग ऑन दैट। मेरे ख्याल में इससे अच्छा प्लान ही नहीं है, खासतौर पर जब नए बैट्समैन आते हैं तो फील्डिंग जो है ना बिल्कुल बैट्समैन के ऊपर जब चढ़ती है तो बैट्समैन को भी नजर आ रहे होते हैं कि सारे मेरे पे चढ़ रहे हैं, सिंगल निकालना मुश्किल हो रहा है। नए बैट्समैन के ऊपर 11 लोग चढ़े हुए उसके ऊपर, बैट्समैन के ऊपर तो सबसे जबरदस्त अटैक है कि उसके ऊपर सिंगल ना दो उसको। कुछ प्लेयर हैं जो सिंगल लेके अपनी इनिंग को बिल्ड करते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं, कुछ होते हैं जो बाउंड्री मार के कॉन्फिडेंट फील करते हैं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में फील्डिंग से जो अटैक होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और साथ में बॉलर बहुत कॉन्फिडेंट फील करता है। आपने स्लिप लगाई रखी इंडिया के मैच में भी, श्रीलंकन ने भी लगाई रखी। सबसे बड़ा प्रेशर इस तरह के पिच के ऊपर रहते ही रहते और बॉल निकलते जहाँ अच्छा ग्रिप ले रहा हो और अच्छा शार्प टर्न हो रहा हो वहाँ पे स्लिप का जो काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ही बैट्समैन के ऊपर उसके पास उस कोई चॉइस होती नहीं कि आपको सर्कल में सिंगल भी नहीं मिल रहा तो आपके पास एक ही ऑप्शन रह जाती है बड़े शॉट मारने की, विकेट लेते हो। अच्छा वैसे अब इरम, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा फोकस है कि कल पाकिस्तान का मुकाबला होना है श्रीलंका से, हमारे पास दो सैंपल्स हैं पिचेस के। एक वो पिच थी जो इंडिया के खिलाफ हमने जिस पे खेला, दैट वाज अ एंटायरली डिफरेंट पिच। कल जो पिच थी वो एक डिफरेंट पिच थी जिस पे इंडिया और श्रीलंका ने खेला। मतलब इफ आई वुड आस्क यू व्हाट पिच वुड यू प्रेफर फॉर टीम पाकिस्तान, उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ देखकर तो सही है बट बैटिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस देखकर मुझे जैसा लगता है कि जो कल विकेट थी वही विकेट होगी शायद पाकिस्तान के लिए, और वो थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकता है क्योंकि जिस तरह हमारी टीम अभी जो बिल्कुल साफ बात है थोड़ा स्ट्रगल कर रही है स्पिनर्स पे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी बेंच स्ट्रेंथ है उनको चांस देना चाहिए पाकिस्तान टीम में और वो खेलें। बेशक थोड़ा सा हमें आइडिया भी हो जाएगा कि आगे वर्ल्ड कप के लिए भी हमारी टीम कैसे प्रेशर हैंडल करती है, तो मुझे लगता है कि जो कल वाली विकेट थी वही होगी। अगर बाबर आजम ने अच्छे प्लान से अच्छी फील्डिंग और अच्छी बॉलिंग चेंजेस और अगर हमारे स्पिनर्स अच्छे अप टू द मार्क उनकी बॉलिंग रही तो मुझे लगता है पाकिस्तान ईजिली जीत जाएगा। बेंच स्ट्रेंथ को चांस देना चाहिए, मुझे भाई क्या लगता है कि क्या चांस मिलेगा बेंच स्ट्रेंथ को, बिकॉज जिस माइंडसेट से इस वक्त टीम पाकिस्तान चल रही है, हाँ फोर्स चेंजेस तो शायद ज़रूर हो सकते हैं कि शायद हारिस को अब कहें कि नहीं जी नो मोर चांसेस, नसीम को कहें नो मोर चांसेस, मगर उसके अलावा क्या चेंजेस हो सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम कल बात करना भूल गए थे, देम नॉट कमिंग फॉर बैटिंग, वॉज दैट अ गुड डिसीजन? आई डोंट थिंक सो, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मेरी ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। आपने जाके इंजरी आपकी वो एग्रीवेट नहीं हो सकती जब तक आप बहुत ज़्यादा चलाने ना शुरू कर दो। शहीन आपका सूजी उंगली से खेला है मेरा ख्याल है, कल उसकी भी उंगली पे चोट लगी हुई थी। ही केम एंड बैट, ही प्लेड वेरी अग्रेसिव, उसने छक्का भी मारा जाके। अब आपके साथ जब शहीन खेलता है ना तो आपने फाइट आउट करनी होती है, 10 विकेटों से आप आज जाके 10 विकेटों को जाके खेलना चाहिए। इसकी एग्जांपल देता हूँ, फैसलाबाद टेस्ट मैच में उसका सलीम मलिक का हाथ टूट गया था, उन्होंने प्लास्टर हटा पूरा बांध के उस जाके वसीम भाई के साथ पार्टनरशिप लगा दी थी, और वो पार्टनरशिप क्या थी, 30-35 रन की पार्टनरशिप थी और वो मैच विनिंग हो गई थी। एक्चुअली सम टाइम पता है क्या होता है, मैच तो आप नहीं जीत रहे मगर वो जो फाइटिंग स्पिरिट होती है ना वो आपकी टीम को यूनाइटेड भी कर देती है और लड़कों को दिलों में आपकी इज्जत भी बढ़ा देती है। देखे हमें नहीं पता यहाँ पे भी कितनी इंजरी है बेचारों को, ये हमारे हीरोज हैं, इन्होंने पाकिस्तान को बहुत सर्व किया और करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये जो देखे ना उसका जो रिपोर्ट आई थी, एमआरआई की रिपोर्ट आई थी, उसमें लगा था कि टेर नहीं है, मगर आप जाके सिर्फ ब्लॉक करें और शहीन को चांस दें, शहीन मारता है, अगर शहीन के 2-3 छक्के लग जाते हैं तो शहीन आपको सेमीफाइनल फाइनल में अगर जाके आपको बैटिंग में एडवांटेज दे सकता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बॉलिंग में अच्छा और हो सकता है। सो यू नो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, और सबसे बड़ी मॉरली, you know you respect this game, this game will respect you forever. ये अल्लाह का निज़ाम है, कहते हैं ना अपनी रोज़ी से बंदे को honest रहना चाहिए, तो ये हमारी रोज़ी है। आई थिंक मैं ये बहुत ज़्यादा इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये हमारे बहुत अच्छे लड़के हैं, इन्होंने हमें बहुत खुशियाँ दी हैं, एक मैच से हम इनको जज नहीं बन रहे इनके, यू नो दे आर वेरी वेरी गुड क्रिकेटर्स, यू नो दे विल लूज दे विल विन, बट फाइटिंग जो पूरी कॉम कहती है, जो पूरे एक्स क्रिकेटर्स कहते हैं ना, वो यही कहते हैं कि प्लीज़ फाइट, लड़के हारे कोई मसला नहीं। तो आई थिंक ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है इस पे, और दूसरा जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है बेंच स्ट्रेंथ का,
अब देखें आप नसीम और हारिस लगते तो नहीं है खेलेंगे टू बी ऑनेस्ट। और कल एक और जो चेंज हम देख सकते हैं अगेन अ फोर्स चेंज मे बी सलमान अली आगा वुड नॉट बी प्लेइंग इस पर बिकॉज वो उनको जो है जो लगी थी बॉल अभी मे बी ही बी स्टेड बैक फॉर दैट। सो यस सऊद शकील का चांस फिर हमें बनता हुआ। अच्छा ये कई दफ़ा ना आई एम सॉरी टू से दिस इज़ नॉट ए नेगेटिव, अल्लाह किसी को भी कोई तकलीफ ना आने दे पर इंजरीज हैं अल्लाह इनको जल्दी सेहत करे। कई दफ़ा ये जो छोटी छोटी इंजरीज आती हैं ना ये कई दफ़ा आप वैसे तो बेंच स्ट्रेंथ को तैयार नहीं होते खिलाने के लिए कभी, अब ये चॉइस कोई नहीं है। अब आप देखिएगा कि बेंच स्ट्रेंथ का भी पता चल जाएगा आपको। बेंच स्ट्रेंथ का कई दफ़ा ये ना ब्लेसिंग भी होती है अल्लाह की तरफ से, कहना नहीं चाहिए। कहते ना ये हदीस है जिसका अल्फाज है कि बीमारी कई दफ़ा आपके लिए बायस रहमत बन के आती है, हमें नहीं नज़र नहीं आती। तो सही कई दफ़ा ये चीज़ें छोटी छोटी जो होती है ना, ये जिस तरह सऊद शकील खेलेगा कल और उसकी जगह जमान खेलेगा, उसके दो तीन लड़के खेलेंगे, अब ये खेलने से क्या होगा हमें पता लग जाएगा कि वेयर वी आर बेसिकली, ये चाहे वो स्कोर ना करें चाहे विकेट ना लें पर हमें उनके टेम्परामेंट का उनके इंटेंट का पता चल जाएगा कि ये, क्योंकि आपने एक मैच से जज तो नहीं बनना किसी का, एक मैच में कोई प्लेयर तो दिखाता नहीं, मगर उसके इंटेंट से उसके खेलने से पता चल जाता है कि ये बंदा बहुत इफेक्टिव हो सकता है एशिया कप में भी और वर्ल्ड कप में भी। मगर वो वाकई कहना नहीं चाहिए, मगर जिस तरह हम अपनी बेंच को बिल्कुल मौका ही नहीं देते, हमारे मेन लड़के शायद वो जगह नहीं बनाते या मैनेजमेंट जगह नहीं बनाती है, तो इवेंचुअली शायद इंजरी का ही इंतजार करना पड़ता है। मतलब ये दिस इज समथिंग दैट वी शुड नॉट से, बट ये मुसीबत हमारे यहाँ मसला सबसे बड़ा ये है कि ये चांस जो बेंच स्ट्रेंथ को नहीं मिलता, रोटेशन पॉलिसी हमारी बहुत बुरी है कि हाँ जी कोई इंजर्ड होगा तो बेंच से कोई उठ कर आएगा, और फिर कितना प्रेशर उस प्लेयर के ऊपर होता है कि हाँ जी प्रेशर भी होता है, डीमोरलाइजेशन भी होती है कि यार अब वो नहीं है अवेलेबल तो मेरा चांस बन रहा है। सवेरा अब मैंने बहुत सारी बड़ी टीमों को देखा है कि किसी भी छोटी टीम के खिलाफ जब टीम अनाउंस करते हैं उसमें बहुत सारे सीनियर्स को रेस्ट करा देते हैं, या बहुत दफ़ा ऐसा भी हो कि वो सीरीज़ जीत जाते हैं, दो तीन मैचेस बाकी होते हैं, अपनी पूरी बेंच को मैचेस खिलाते हैं। हमने टोटली इसके पॉजिटिव अपोजिट की है हमने, और बहुत दफ़ा नज़र आया है भाई अगर आप सीरीज जीत के आप दोनों बेंच पे जो भी लड़के बैठे हैं उनको भी ताकि पता चल जाए खिलाफ अपनी पूरी फुल स्ट्रेंथ टीम से खेलें। सवेरा दो दो तीन तीन साल सिर्फ लड़के टूर्स पे जा रहे होते हैं, टूर्स पे जा रहे हो, टूर करा रहे हो, खिला नहीं रहे होते उनको। दानी की बात अगर मैं करूं, डेढ़ दो साल टीम के साथ रहा, कहीं खेली वो तो रिलेशनशिप मैनेजर बन गया था हमारा, केक कटवा रहा है तो हाथ मिला रहा है बेचारा, उसका यही काम रह गया। आई मीन कि जो आपकी बेंच स्ट्रेंथ है उसको आपको डालना पड़ेगा, वो इतनी तगड़ी हो कि वो ये ना देखे कि यार मैं इतने दिनों बाद खेल रहा हूँ मैच, आए जरा ग्राउंड में जरा पता तो चले आपका। बिल्कुल अभी इंडिया मुझे अभी इंडिया के कुछ प्लेयर टीम अनाउंस किए, उन्होंने मेरे ख्याल में तीन चार मैचों में अलग अलग प्लेयर खेला है, रेस्ट कराए, बहुत रोटेशन हुई, काफी हुई है। क्यों? उनकी बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, उनको भी जरा वर्ल्ड कप से पहले आओ तो सही, जरा दिखाओ तो सही क्या कर रहे हो अब। ये शायद आप सॉरी बीच में बोल पड़ा, आप देखिएगा आपने साउथ अफ्रीका के मैच देख रहे हैं आप, इंडिया सॉरी साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया, वेयर इज पैट कमिंग्स, he is a captain, where is Stark, where is Smith, where are they? वो नहीं खेले हमारे खिलाफ भी नहीं खेले, they've proven their importance and they know upside पे बैठे हैं और जो बाकी हैं उनका भी तो मेटल चेक करें ना कि वो कितने, इसलिए कि जो पांच सात मैच खेलने वर्ल्ड कप से पहले पांच सात मैच खेल के या बेंच स्ट्रेंथ वाले हार जाएंगे वो सीरीज, वो जीत रहे हैं, बल्कि वो जीत रहे हैं। यंग लड़कों के अंदर कई दफा इतना डिजायर होता है परफॉर्म करने का, अपना जगह बनाने का, कि वो दे गिव यू बेस्ट। होगा क्या इससे वापस जब वर्ल्ड कप में आएंगे, अगर कोई मिचेल स्टार्क को या पैट कमिंग्स को इंजरी होती है, दे आर रेडी टू प्ले बिकॉज उनके पांच स्टैट्स भी हैं, उनको कॉन्फिडेंस भी मिला हुआ है, एंड दे बिलीव दैट के दे ट्रस्टिंग अस, दैट्स व्हाई मतलब उनको स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकेंगे वो प्लेयर्स। ऐसी चीज आ जाए, क्या हम अपनी बेंच को स्विच ऑन स्विच ऑफ के लिए तैयार रखते हैं कि नहीं रखते हैं? वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे कि कल पाकिस्तान को श्रीलंका के अगेंस्ट किस स्ट्रैटेजी से उतरना चाहिए। आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक,